ये तो हमारे देश को बेच दिए, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, हम लोग को बेच दिए। अच्छा तो ये बताइए, अगर मोदी जी वोट मांगने आएंगे तो मोदी जी का स्वागत फूलमाला से करेंगे या कैसे करेंगे? फूलमाला से, चप्पल के हार से। चप्पल के हार से? तो ये है बिहार की जनता और बिहार की आवाम। एक बार फिर सुनिए कि बिहार की जनता मोदी जी और नीतीश कुमार का स्वागत कैसे करेगी। चप्पल के हार से पहनाएंगे हम लोग। आप बिहार में रहते हैं, बिहार जो कि हर साल यहाँ बाढ़ आती है, एक बात मुझे बताइए कि बिहार के अंदर जिस तरीके से कहा जाता है, मैं दिल्ली से आया हूँ और हमारे दिल्ली में कहा जाता है बिहार में शराब बंद है, क्या सबसे पहला प्रश्न बिहार के अंदर शराब बंद है? बोले हमको हथकड़ी पहनाइए, हमको मीटर डालिए, हम शराब पिए हैं, हम घर घर यहाँ बिक रही है, हम भी शराब पिए हैं, घर घर बिक रही है, शराब तो बंद है। मतलब आपने भी शराब पी रखी है? पी रखे हैं, हमको ले चलिए। नीतीश कुमार की शक्ल जरा देखिए, कितनी भोली शक्ल बनाते हैं ये चश्मा पहनने वाले। नीतीश कुमार पूरे देश को पागल बना रहे हैं। ये देखिए, जब एक गरीब आदमी शराब पी सकता है बिहार में शराबबंदी के बाद, तो सोचिए बड़े बड़े घरों में क्या हाल होगा। यहाँ पर आपके बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा है? सुविधा तो वो है कि हमारा बच्चा बॉम्बे जाकर खट रहा है, सब बनारस खट रहा है, खेत में सो रहा है, कोई खटने वाला, पढ़ाने वाला, लिखाने वाला। ये देखिए, हमारे देश में शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं है, कुछ नहीं। एक क्षेत्र जहाँ शराब बंदी होती है, हम वहाँ फिर भी शराब मिलती है। जब हम शराब पीते थे तभी हम सोचे कि चलो हम अपना जमीन दे देते हैं, स्कूल में हमारा बाल बच्चा पढ़ कर आगे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी वो भी काम नहीं हुआ। अच्छा, स्कूल बन गया, स्कूल में ताला लगा हुआ है, हमारा बाल बच्चा पढ़ा नहीं, चला गया। ये देखिए, ये है इस देश के अंदर बिहार की हालत। आपके यहाँ पर शिक्षा सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, इलाज होता है, सुविधा एक ही है, दारू का। जहाँ जाइए तहाँ दारू, जहाँ जाइए तहाँ दारू। तो अब की बार मोदी जी जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने विकास करा है, आपको क्या लगता है मोदी जी ने विकास करा है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये मेरे पीछे कोई नदी का तट नहीं है, कोई समुद्र का किनारा नहीं है, ये है भारत का एक प्रदेश बिहार। बिहार जिसकी राजधानी है पटना। बिहार जो एक ऐसा ऐतिहासिक क्षेत्र है जहाँ भगवान राम से लेकर माँ सीता से लेकर गुरु गोविंद सिंह से लेकर भगवान महावीर तक, सभी बड़े बड़े ज्ञाताओं, धर्मशास्त्रियों की यहाँ जन्मभूमि है, जन्म स्थली है। एक और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो कहते हैं कि पैदल चलने वाले को भी मैं हवाई यात्रा कराऊंगा। प्रधानमंत्री महोदय, ये ठीक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है बाढ़ स्थित क्षेत्र बिहार, जो कि हर साल यहाँ बाढ़ की समस्या आती है और इस बाढ़ की समस्या का निजात इसकी सरकार के पास नहीं है। करोड़ों रुपए का हवाई जहाज, 10 लाख का छूट, 1.5 लाख का चश्मा और लाखों करोड़ों रुपया अपनी विदेश यात्रा पे खर्च कर देने वाले देश के प्रधानमंत्री महोदय, अगर आपने कुछ करोड़ रुपया यहाँ बांध बनाने में, डैम बनाने में खर्च कर दिया होता, तो शायद आज ये लोग घर के बिना नहीं होते। यहाँ ना आपकी आवास योजना चलती है, ना यहाँ आपकी उज्ज्वला योजना चलती है और ना यहाँ आपकी मनरेगा चलती है। एक और जहाँ कहा जाता है कि बिहार में शराब बंद, बिहार के अंदर प्रत्येक घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुँचेगी, ना गैस पहुँची। आज बिहार प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, लेकिन बिहार यहाँ छोटे बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा नहीं है और ये बच्चे जिनको स्कूल में जाना चाहिए, ये बेचारे यहाँ बाढ़ में मछलियाँ पकड़ते हैं। ये है स्थिति हमारे देश की। सरकारों को जागना होगा और इस बात पे विचार करना होगा कि देश की स्थिति को बदलना है तो इन बच्चों को मछली पकड़ने नहीं, स्कूलों में भेजने की जरूरत है। तो विचार करिए, बिहार बदलिए। जय हिंद, जय भारत।